थाना नीमच कैंट को मिली सफलता। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी 7 न्यूज चैनल में। आप एमपी 7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए नीमच की विशेष खबर। पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनेश एवं नगर पुलिस अधीक्षक फूल सिंह परस्ते के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी नीमच कैंट राजेंद्र नरवरिया के नेतृत्व में नीमच कैंट पुलिस टीम द्वारा चोरी हुई स्कूटी को बरामद करने तथा आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। फरियादी ने दिनांक 3/2/2022 को रात्रि को घर के बाहर आंगन में स्कूटी खड़ी की थी। फरियादी द्वारा सुबह उठकर देखने पर उसकी स्कूटी एक्टिवा नहीं मिली, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गई। फरियादी अनिल पिता रामचंद्र गोयल उम्र 34 वर्ष निवासी पुरानी नगर पालिका नीमच की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना नीमच कैंट पर अपराध क्रमांक 105/22 धारा 379 भादवी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर फरियादी अनिल गोयल के ट्रांसपोर्ट पर कार्यरत कर्मचारी योगेश पिता मनोहर लाल व्यास जाति जाटव उम्र 33 वर्ष निवासी यादव मंडी शिवगंज गली नंबर 4 नीमच हाल मुकाम अहिर मोहल्ला थाना बघाना को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई तथा आरोपी योगेश व्यास के कब्जे से चोरी की गई स्कूटी एक्टिवा MP44 MU22 99 को जब्त किया गया। आरोपी योगेश व्यास द्वारा उपरोक्त एक्टिवा के रजिस्ट्रेशन नंबर की नंबर प्लेट के स्थान पर दूसरे नंबर की नंबर प्लेट लगाकर चोरी की गई एक्टिवा का उपयोग किया जा रहा था। प्रकरण में धारा 420 भादवी का इजाफा किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी राजेंद्र नरवरिया, सहायक उप निरीक्षक कैलाश कुमरे, प्रधान आरक्षक आदित्य गोड़, आरक्षक मनीष माली, थाना बघाना का सराहनीय योगदान रहा। नीमच जिले की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP 7 न्यूज।